लाइफ इन जन्ना, मतलब जन्नत दे विच आफ्टर लाइफ थोड़ी किदां दी होएगी। सो उस दा पहला पार्ट सी वो आपां देखिया मुहम्मद अली मिर्जा साहब दा। सेकंड पार्ट अज तुहाडे नाल देखदे हां। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखिया वो भी देख लियो, ते हुण देखो साडे नाल रल के सेकंड पार्ट। मेक श्योर यू हिट दैट सबसक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एज वैल, तां जो नोटिफिकेशन तुहाडे फोन तुहानूं मिल जाए जदों वी कोई वीडियो आपां अपलोड करिए। वैसे तुसीं चैनल खोल के देख सकदे हो क्योंकि नोटिफिकेशंस ज्यादा मिलदियां नहीं। सो आओ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। कि जन्नत में एक एक दरख्त ऐसा है कि अगर एक घोड़ सवार 100 साल तक, सही बुखारी में आता है, 100 साल तक घोड़े पे भागता रहे उसके साये से बाहर नहीं निकल सकता। What? ये जनाब साइज है एक दरख्त का, सर एक दरख्त का, तो कायनात फिर कितनी बड़ी है। 100 साल एक घोड़े पे भागता रहे लेकिन वह उस दरख्त की छाया तो बाहर नहीं निकल सकता। वाह। बुखारी मुस्लिम में आता है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना दोजख से निकाल के, वो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा। लाखों करोड़ों साल दोजख में जलेगा, जब उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे दोजख के अजाब के बस, और आप बस उसके उसके पल्ले सिर्फ ये नेकी होगी उसने जिंदगी में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, बस ये कलमा उसने पढ़ लिया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या अपने भी वक्त के पैगंबर पे जो अपने जमाने में उम्मतों के थे उन पे ईमान लाए होंगे। तो जैसे ही उसको बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं दोजख से निकाला जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ भाई तेरे लिए जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत। तो कहेगा ये अल्लाह तो खुदाओं के मेरे साथ मजाक करता है। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक मुस्कुराएगा उसकी बात के ऊपर, अल्लाह फरमाएगा मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है कि जो ये रूए अर्थ है, ये जो मेडिकल प्लैनेट अर्थ है, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत है उस शख्स के लिए जो सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती है। और सर जो शुरू में चले जाएंगे उनकी जन्नतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जन्नत में एक दर्जे वाला अपने से ऊपर वाले दर्जे को यूं देखेगा जैसे तुम सितारे देखते हो, और वह फर्क एक नेकी का होगा, एक नेकी का और यह दर्जों का फर्क। यह तो सर आप हमें जब साइंटिस्ट बता रहे हैं ना गैलेक्सीज की तादाद, और बता रहे हैं जी 2.5 अरब गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज और उसके साथ जमीनें हैं, तो ये अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया हुआ सर। इस वक्त भी जितनी कायनात डिस्कवर हो चुकी है ना, अगर यही जंतियों में बांट दी जाए ना तो ये भी उससे बड़ी है। अल्लाह ने तो क्या कुछ पैदा कर दिया, इसीलिए कुरान हकीम में आता है ना कि तुम्हारे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता उसके सिवा। हम तो ये नहीं मखलूकात का इहाता कर ही नहीं सकते जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। तो अल्लाह ताला हमारा है कि टहनियों वाले दरख्त होंगे उन जन्नतों के, फबियाबान फी ही माइनान तजरियान, उन बाहों में दो चश्मे जारी होंगे, फबियाबी कुमा तुकदिबान फी ही मा मिनकुल्लिफा की हतिन जऊजान, और उन बाहों में हर तरह के मेवों की भी दो दो किस्में होंगी, हर मेवे की दो दो किस्में होंगी। अल्लाह फबियाला रबी कुमा तुकदिबान मुत्तकीन अला फुर्शिम बकाइनुहा मिन इस्तबरक, जो जन्नती हैं वो तकिया लगाए बैठे होंगे बिस्तरों पर जिनके अस्तर जो हैं वो गाढ़े रेशम के होंगे, वजनल जन्नतैनि दान, और दोनों बाहों का फल नीचा झुका होगा। ये नहीं है कि जनाब आप वो दरख्त इतने बड़े बड़े हैं तो जनाब आपको कोई सीढ़ी लगा के या किसी ड्रोन में बैठ के जाना पड़े, नहीं टहनी लटक रही होंगी, बल्कि इशारा करेंगे तो टहनी अपने पास आ जाएगी और आप उसको फल को तोड़ के खाएंगे, क्योंकि जन्नत को तो फना नहीं है, आपके तोड़ के खत्म होगा एक और वहां पे लग जाएगा। जन्नत में कोई चीज खत्म नहीं होनी सर, जितना मर्जी खाओ पियो खत्म कोई चीज नहीं होनी, जो आप खाएंगे ना आप, अच्छा और आपको भी तकलीफ से आजाद कर दिया, कोई पेशाब नहीं है कोई पखाना नहीं है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं एक खुशबूदार डकार आएगी सब कुछ हजम, और कोई कब्ज वाला मामला नहीं होगा, कोई पेट खराब होने वाला नहीं होगा, वहां अपने आप लज्जत के लिए खाएंगे और भूख भी नहीं होगी, भूख के बगैर भी लज्जत की वजह से आप खाना खाएंगे और लज्जत की वजह से आप जितना मर्जी, यहां पे भी लोग भूख के बगैर लज्जत के लिए कितना कुछ खा जाते हैं, कहते हैं मैं तो उन्हें खाना खा के आया तो रखो तो फिर 2 प्लेटा खा जाते हैं, ठीक इधर भी इतने लोग मौजूद हैं, बाद में जो कुछ भी बेचारों के साथ होता रहे तो वो एक लादा बात है, लेकिन वहां पे ये कुछ नहीं होगा।
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. उन जन्नतों में नीची निगाहों वाली हूरें होंगी जिनको ना किसी इंसान ने छुआ होगा ना किसी जिन ने इससे कब्ल. अच्छा, इन आयात से अब यह भी पता चल गया कि जिन्नों के लिए भी एक जन्नत है और इंसानों के लिए भी जन्नत है. जिन्नों के लिए जाहिर है उनकी रिक्वायरमेंट्स अपनी है. आपको पता है सही बुहारी में आता है, सही मुस्लिम के अंदर, के नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है कि आप गोबर या हड्डी के साथ स्तंजा ना करें क्योंकि जिन्नों की खुराक है इसके अंदर. हमारी खुराक तो गोबर या हड्डी के अंदर नहीं अल्लाह ने रखी हुई है. तो जिन्नों की आराइश का, उनकी जो ख्वाहिशात का सामान अलग से है, उनकी जन्नत अलग है, इंसानों की जन्नत अलग है, लेकिन उनके लिए अपनी जिन्नियाँ होंगी. थोड़े से थोड़ियाँ जिन्नियाँ होंगी, ठीक है वहाँ, लेकिन जिन्नियाँ नहीं होंगी वहाँ पर, बड़ी शरीफ किस्म की बीवियाँ होंगी जी. फबी अय्य आला रब्बी कुमात का दीवान का अन्नहुन्न याकूत वल मरजान. और ये जन्नती औरतें ऐसी होंगी गोया याकूत और मरजान है. वो तो सही बुखारी में आता है कि वो यानी ऐसी ट्रांसपेरेंट हूरे होंगी कि उनकी जो पिंडलियां हैं, पिंडलियों के पीछे हड्डियों में जो गूदा है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा होगा. यहाँ पे तो खैर इन चीज़ों में शायद कोई इतनी अट्रैक्शन ना हो कि कोई शीशे की कोई हूर बन के सामने आ जाए. वहाँ की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, वहाँ के लिए वहाँ जाके पता चलेगा. فبي اي الاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے سر. اس کی اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا, وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری, جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں, حلال و حرام کی تمیز کی, روکی سوکھی کھا لی, میرے وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی, روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی, جس نے اتنا احسان کیا ہے, اللہ پہ تو نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کروں؟ حالانکہ ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی ہے کہ وہ قدر کرتا ہے انسان کہ بتاؤ اس احسان کا, اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا, یعنی مراد یہ کہ جنت دوں گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جن و انس کے گروہ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جیسے کہ یہ دیکھ ویڈیو جیدے وچ اپا دیکھیا لائف ان جنت, ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਜਕ ਐਂਡ ਜੰਨਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ. ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕੀ. हाँ इधर ये जरूर पूछा जाता कि एक धर्मराज बैठा होगा, वो तुहाडा लेखा जेखा पूछूगा कि हाँ भी तू किहड़े किहड़े काम किए है, चंगे काम किए है, माड़े किए है, जे चंगे किए तो चल स्वर्गों, जे माड़े किए तो चल नरकों, ठीक है. इदां दीआं गल्लां जरूर सुनिया, पर जिदा अज यह डिटेल दे विच वीडियो देखी है कि इस्लाम दे विच की मन्या जांदा है, उदा मैं कदे हिंदूइज़म दे विच की मन्या जांदा इन्नी डिटेल दे विच कोई गल्लबात सुनी नहीं कदे. ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਟੀਕ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬਾਬੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ 100-200 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਅਤੇ ਜੋ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਨੂੰ
मिली है कि जड़ा क्योंकि हमेशा मोस्टली इदा ही किया गया एंड कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया साढ़े इंडिया दे विच भी कि जड़े मुस्लिम्स आ वो जन्नत नू पाउण दे लई बड़ा कुछ करते हैं एंड जड़े टैररिस्ट हैगे आ टैररिस्ट तो वैसे तो कोई धर्म नहीं हुंदा कोई उन्हां दा धर्म नहीं है कोई उन्हां दा दीन मान नहीं है पर सो कॉल्ड टैररिस्ट जड़े हैगे आ उन्हां दा मनना हुंदा कि जेकर तुसीं लोकां नू मारोगे जड़े काफर ने उन्हां दे अकॉर्डिंग ते मतलब जड़े गैर मुस्लिम ने उन्हां नू मारोगे उन्हां नू बंब बन के उड़ा दोगे जिदा हुंदे ने सैल्फ बॉम्ब अटैच करके इत्थे इत्थे एक्सपलोड हो जाते हैं ते नाले तां जिवें हुण पाकिस्तान दे विच वी पिछे जे स्कूल दे विच अटैक होया सी इदां दा ते होर वी थावां ते अटैक हुंदे आ ना पाकिस्तान 'च वी होया इंडिया 'च वी होया ते उन्हां दा मनना हुंदा कि जदों असीं इदां गैर मुसलमानां नू मारांगे तां तुहानूं जन्नत मिलेगी उन्हां दा इह मनना हुंदा ठीक है लेकिन मैं मेरे ख्याल जिहड़ा इस्लाम दे विच असली जिहड़ा इदां हैगा कि जन्नत उन्हां नू मिलेगी जिहड़े लोग पंज वक्त दी नमाज़ अदा करनगे ते जां चंगे काम करनगे किसी दा बुरा नहीं करनगे जिवें इस्लाम दे विच जो एक लाइफ दसी गई है जो मेरे ख्याल साढ़े सिखां च कहिंदे आ मर्यादा ते इस्लाम च शरीयत कहिंदे आ ना जो शरीयत दा लॉ आ ना तां उहदे अकॉर्डिंग जेकर चलोगे तां मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੂਗੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੂਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਨਤ ਮਿਲਣੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਇਹ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਊਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦਾਂ ਯਾਰ ਲੌਜਿਕਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡਡ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਟੀ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਸਸ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕ ਰਿਐਕਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ